नमस्कार द फैक्ट आई में आपका स्वागत है। मैम आपका नाम? निशा इंसा। मैम आपको डेरा सच्चा सौदा से जुड़े कितना टाइम हो गया है? 35 साल। ठीक है मैम, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जब बाबा जी यहाँ पर थे सिरसा में सत्संग किया करते थे, तो उसका आपको और समाज को क्या फ़ायदा था? बहुत ज़्यादा बेनिफिट था, सब लोग नशा तो दूर रहते, समाज भलाई का काम भी करते, जिवें शरीर दान, गुरदा दान, अखां दान, जे सारा कुछ करते। ठीक है। और मैम अब जैसे वो यहाँ पर नहीं है, सत्संग नहीं कर पा रहे, लोग नाम शब्द नहीं ले पा रहे, तो उसका हमारे समाज को क्या नुकसान हुआ है? नशों में डूबे जा रहे हैं। एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि डेरा सच्चा सौदा में महिलाओं को लेकर क्या माहौल है? महिलाएं तो बहुत सुरक्षित है, अपने गाँव की तो बहुत ही ज्यादा। ठीक है। और मैम सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगी बाबा जी को लेकर? जल्दी तो जल्दी अपना पिताजी अपने बीच आवे। ठीक है। तो मैम का ये कहना है कि जब तक वो यहाँ पर थे, इनके बाबा जी यहाँ पर थे, तो हमारी जो सोसाइटी है बहुत सारे नशों से दूर थी, बुराइयों से दूर थी, बट जबकि वो यहाँ से गए हैं, सत्संग नहीं कर पा रहे, तो सारी दुनिया बहुत ज़्यादा बुराइयों में लिप्त होती जा रही है। और इनकी यही सरकार से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इनके बाबा जी को इनके बीच में भेजें। तो आप भी अपने कमेंट्स ज़रूर हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा। थैंक यू।